भी एक दिन हटाया गया था तो सर मंटू हमको बनाया। सबको सब हटा दे रहा हूँ प्रणाम सर। मुझे, हम कुछ आओ बना दिया। कोई एक एक तो आओ कोई एक गलती। इजाज भाई आए हैं क्लास में, इजाज ये मतलब कि देखो भाई हम एडमिन लोग को बनाते हैं, खाली लड़का को भी ऐड कर लोगे ऐसा थोड़े होता है, पेमेंट करके लड़का ऐड होता है ना उसमें। सर इजाज दो, हमको एडमिन बनाया था। अच्छा नहीं, एक लड़का को भी बाहरी लड़का को ऐड किया है, आज देखते हैं कि हमको कोई हटा दिया है सर। वो हम पता करते हैं ना उस पर। ये सब गलत काम है यार, हम गुस्सा आ सर रहा गलत है ना सर? है। गलत है मतलब कि हम पैसा पैसा लेकर एडमिन को सबको हम ऐड करते हैं ना, वो लड़का किसी को ऐड कर दिया, हालांकि रिमूव कर दिया उसको, बट ऐड करना सही बात नहीं है ना, किसी को भी ऐड कर देना। यदि हम आपको एडमिन बनाए हुए हैं तो आपसे इसलिए एडमिन बनाते हैं कि कोई नोट्स वगैरह मांगे तो चलो दे देना है, ये क्लास के बारे में बता देना है। ऐसा थोड़े है कि हाँ उसमें लड़का को ऐड कर दो, बाहरी लड़का को किसी को ऐड कर दो, लड़का ऐड करने के लिए थोड़े एडमिन बनाया है। नहीं सर नहीं, लड़का यदि इस ग्रुप में कोई ऐड है तो जितना लड़का है सब पेमेंट करके आया है, कोई लड़का ऐसा नहीं है कि फ्री में आया है। अब फ्री में वो नहीं दो चार लड़का पढ़ता भी है तो इसको ग्रुप में हम ऐड नहीं करते हैं उसको, वो हम अलग से है दो चार गो तो उसको लिंक भेज दिया जाता है कि लो पढ़ लो। प्रॉब्लम लोग मतलब दिन बताया सर उतना में। हेलो, क्या? कह रहे थे सर क्या आप जो रीजनिंग बताए उतना में, मतलब 16 क्लास लिए, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने से हो जाएगा ना रीजनिंग कंप्लीट पूरा? अरे एक एक रीजनिंग हो जाएगा, खाली एकदम प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है सर। आप देखो प्रॉफिट ऐसे एंड लॉस के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो पहले तो इसका फॉर्मूला होता है, परमिट सूत्र, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सब लोग आगे हो ना, एकदम हल्ला मत करो। अब देखो 3 4 घंटा हाँ यदि सर, चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना चालू कर दोगे और समझोगे तो वही लड़का बोलेगा हम देखो सुबह में क्लास इसलिए लगाए कि हम तुम्हें 3 घंटा पढ़ा सके। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो देखो लाभ बराबर, नंबर ए लिखो लाभ बराबर, प्रॉफिट बराबर। प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस करते कहते हैं, माइनस क्रय मूल्य। यदि तुम सुबह 6 बजे उठकर क्लास कर रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट कोई नहीं रोकने जा रहा है, पटना यूनिवर्सिटी का कोई नहीं रोकेगा। ये तुम कहीं लिख लो कि यदि तुम इतना सिंसियर हो तो, नहीं तो बहुत सा लड़का इतना अच्छा मौसम में नींद ले रहा होगा, किसको है गया जाने दो। आज थोड़े भाई बात हानि बराबर सीपी का फुल फॉर्म बताइएगा सर, सीपी का जो है कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं। हाँ, ठीक है सर। हियर एसपी बराबर सेलिंग प्राइस, हम समझना। और हम लोग पीएलडी को, प्रॉफिट एंड लॉस को जड़ से आज खत्म करने जा रहे हैं, पूरे अच्छे से सर एक एक चीज को। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। और हम जैसे कि 2 क्लास में औसत लिए, फिर भी संतोष नहीं हुआ मेरे को, अंदर से जो संतोष एक होता है ना वो नहीं हुआ कि अरे यार और क्वेश्चन करवाना था, और कुछ करवाना था, और ये चीज बताना था। पर टाइम का अभाव के कारण सीपी माइनस एसपी, अब देखो पर सी नंबर देखो, प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर। लाभ गुने 100 बटे क्राइमुल होता है ना सर? हाँ हाँ, मतलब आपका जितना लाभ हुआ ×100 भाग में क्रय मूल। और डी नंबर, डी नंबर आ जाओ, प्रतिशत हानि, हानि परसेंट बराबर, लॉस परसेंट बराबर, कि कितना परसेंट आपका लॉस हुआ इसका बराबर क्या होगा। हानि परसेंट होता है हानि ×100 अबाई क्रय मूल। अच्छा कल मालूम नहीं था कि 6 बजे से क्लास है,
सर मालूम था। हाँ सर मालूम था हमको सब, मैसेज किए थे ना। आप देखो ये तीन चार फॉर्मूला जो है, और इस पर हम सारा का सारा सवाल क्लियर करते चले जाएंगे। सवाल क्लियर इतना ही फॉर्मूला पर होगा, बाकी जो क्रय मूल्य क्या है, कैसे निकालेंगे, वो सब हम आपको ट्रिक से बताते चले जाएंगे। ये सर वो ट्रिक होता है। हाँ तो देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं सर, क्या पीछे कीजिएगा सर, लिख रहे हैं सर। हाँ 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 एक मिनट भाई, क्या बोल रहे पंडित जी? भाई लिख रहे हैं यार। अरे तो मैथ लिख के नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? वही तो हम लिख रहे हैं यार, हमारा छूट गया था। चलो ऐसे बोलिए ना, जल्दी 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 सर। हो गया सर, हो गया हो गया। तो लाभ प्रतिशत है या क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट एकदम शुरू बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेवल जो जो आपके एग्जाम में जहां तक उसकी सोच होगी लेवल बढ़ाने की वहां तक हम लोग करते हैं। औसत में प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर, सर एवरेज में। राजेश एक क्वेश्चन समझ में आया था। तो सर सर हेलो सर, अभी चालू किया सर? हाँ हाँ जस्ट अभी। हाँ अभी जस्ट। 400 रुपये में खरीद कर एकदम एकदम ऐसा नहीं है तो सब समझाएंगे। अच्छा उसे 9 बजे तक पढ़ो ना। यस सर। 500 रुपये में बेच दिया, बेच दिया, उसे कितना परसेंट लाभ हुआ? उसे 25% कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 25% सब लड़का का बन गया ये सवाल? Yes, sir, 25% सर, 100 × 100/400। हाँ अब राजेश एक रेडियो, पहले देखो हम जानते हैं कि तुम बना लियो, फिर मेरा कर्तव्य बनता है कि एक एक चीज को बताएं कि थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड भी आ जाए ना तो आप बना सको। तो देखो yes, एक रेडियो 400 रुपये हम खरीद कर, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 400 है ना खरीद कर, सेलिंग प्राइस क्या है? 500। मतलब कि कॉस्ट प्राइस 400, सेलिंग प्राइस 500, तो यहाँ पे साफ है कि प्रॉफिट हो रहा है। यस सर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की क्या क्या होता है? 500 - 400 बराबर 100 का प्रॉफिट हुआ, हुआ ना? तो परसेंट प्रॉफिट परसेंट बराबर, तो जितना प्रॉफिट हुआ लाभ इनटू 100 करते हैं, इसके बाई में सीपी करते हैं कॉस्ट प्राइस। लाभ कितना हुआ? 100 रुपीज का हुआ, इनटू 100 किए, और सीपी कितना था? 400 था। ये से ये 4 मरतबा, ये से ये 25, तो 25% आपका आंसर आ गया या नहीं आ गया? आ गया, बस यही है। आगे आ जाओ, दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल एकदम जिससे नहीं बना वो पहले बनाने की। सर हाँ, सर पीछे कीजिए ना एक मिनट सर। करते हैं करते हैं, एक मिनट लिख ले सवाल, लिख ले फिर हम पीछे। ओके सर सवाल लिख ली, दूसरा सवाल लड़का बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएगा। दूसरा सवाल, कोई व्यक्ति कौन है भाई? अंशुल माइक बंद करो। कोई व्यक्ति, सॉरी सॉरी भाई, किसी वस्तु को, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर, 100 रुपये में बेचकर, सेंटेंस उल्टा है बस बात वही है, 100 रुपये में बेचकर 10 रुपया लाभ प्राप्त करता है, करता है, तो लाभ परसेंट बताएं।
दस बाय नाइन सर इसका एक बार बेसिक बता दीजिए ना प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक से ही है देखो बेसिक में बस यही हम बताए हैं कि फॉर्मूला ये होता है ये फॉर्मूला ठीक है सर एक सर एक मिनट फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट अगर एक बटे नौ सर क्या बोलते हैं सर अगर पूर्णांक एक बटे नौ बिल्कुल सही जवाब सर एक मिनट ऐसे रखिएगा सर जल्दी 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 हो गया सर अगला पेज कर दीजिए तो बताओ इस अच्छा भाई तो बनाने दो देखो एक चीज इसका सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन देखो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचता है मतलब कि एसपी कितना दिया हुआ है 100 यस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10 अब हम आपसे पूछे कि आप 100 रुपया में कोई चीज बेचे तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आप खरीदे थे उस चीज को कितना में 90 रुपया तब तो 10 रुपया प्रॉफिट पे 100 रुपया पे बेचे यस सर तो परसेंट लाभ बराबर तो लाभ कितना हुआ 10 का × 100/90 तो 100/9 को हम लोग क्या कह सकते हैं 11.99 और 100% आंसर क्या यस सर तीसरा नंबर सब ये भाई जल्दी से लिखो ये वाला जल्दी 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 चलो जो नॉर्मल लड़का आता है ना 30 40 30 40 30 40 सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए 30 40 जो नॉर्मल लड़का आता है वो आ गया है अब प्रॉब्लम नहीं है हो गया सर ठीक है एक क्वेश्चन फिर लिखो पहले पहले हम लोग बेसिक से काम करते हैं बेसिक से काम करने के बाद लेवल को अप करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं खत्म करते हैं सर एक बार पीछे पीछे करिए तो यार तुम लोग पीछे आगे के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो पीडीएफ जाइए करेगा ना ओके आ जाओ तीन नंबर तीसरा नंबर सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु को लिखो मेरे साथ हम बोलते हैं तो लिखो एक वस्तु को 960 रुपये में तुम लोग नहीं बाकी से नहीं बन रहा है बताओ यार 960 रुपये में बेचने पर सब बनाओ 960 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है 20% का लाभ होता है वह वस्तु कितने में खरीदी गई है आप बनाओ इसको बनाओ अब देखते हैं एक 40 सेकंड का तुम लोग के पास हम टाइम दे 50 सेकंड सर 768 रुपया हम फॉर्मूला ही नहीं लिख पाए क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया 2-4 मिनट सर 768 रुपया 800 रुपया पक्के है सर 40 सेकंड है तुम लोग के पास आंसर सर आंसर जो बता देते हैं 450 एक पर एक सब बनाओ 800 रुपया इसका आंसर 800 पक्के सर 800 पक्के और 1 सेकंड में सवाल बनने वाला है 800 का सर हम बना लिए यस सर 800 रुपया इसका क्राइमूल हुआ जो खरीदा गया जी हाँ बटे 100+5 × x सिंपल है सर 100/100+20 × 960 तो तुम लोग का टाइम ओवर हो गया है अब देखो क्या बोलता है 960 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है दुनिया की कोई भी चीज
वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है ना, 100%। और यदि आप सीपी किसी चीज को खरीदे हो तो वो भी आप कितने पे खरीदे हो, 100% पे खरीदते हो, कॉस्ट प्राइस 100% होता है आपका। या मान लो ऐसे करके कि सीपी आपका 100 रुपया था इस वस्तु का, सीपी मान लिया जाए कि सीपी इसका जो था 100 रुपया था, या वो 100%, तो यहाँ पर है 20% का लाभ होता है, तो एस पी कितना होगा, 120% होगा ना। तो दिया हुआ है 120% बराबर 960, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 960 / 120 × 100 12 98 96 और 800 आपका आंसर। ये तो हम आपको बताने के लिए इतना लिखे, आप सीधे करते 120% बराबर 960, तो 960 / 120 × 100%। यदि वह वस्तु कितनी में खरीदी गई, कितनी में खरीदी गई, तो वो 100% पे खरीदी जाती है। कोई भी चीज़ आप 100% होता है, परसेंटेज जब पढ़ोगे, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। किसी चीज़ को आप खरीदे तो 100% पे खरीदे। आप बोलें कि लिखिए ना शॉर्टकट में, क्या शॉर्टकट में, ये वाला क्वेश्चन शॉर्टकट में बनाइए ना, यही शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट यही है। नहीं अभी जो बताया ना, हाँ कि एक और है सर, 100 / 100 + 120 बराबर 960, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 960 / 120 × 100 12 98 96 दो लाइन का सवाल। सर सर लेकिन जो फॉर्मूला दिया उस पर कोई नहीं था सर। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जो यहाँ पर हम आपको दिए हैं, फॉर्मूला ये फॉर्मूला दिए, इस पे भी देखो बैठ जाता, इस पे भी हम बैठाएंगे तो बैठेगा, एक्स मानना पड़ेगा। और चीजों को जब आप एक्स मानकर बनाओगे ना तो लंबा हो जाएगा सर, बहुत लंबा हो जाएगा। एक्स मानकर इसको हम बनाए नहीं, रहने दीजिए, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम लंबा बच जाएगा, रहने दीजिए सर। बना दीजिए सर, क्या रहने दीजिए, क्योंकि वो पूरा एक पेज जाएगा, उससे अच्छा है कि ऐसे बनेगा, माना कि पहले x होगा, फिर उसका x का 20% उसका ये लाभ हुआ, x x माना कि क्रयमूल x, देखो ऐसे करके बनाओगे, x प्लस x x का उतना परसेंट बराबर 960, युगपत समीकरण पे इक्वेशन बनेगा, फिर उससे x का वैल्यू निकालेगा। देखो ये चीजों को, देखो इस चीज को दिखा देते हैं एक बार, समय है पूरी दिन अपनी है। माना कि वस्तु का ऐसे लिखना है, माना कि वस्तु का क्रय मूल 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया पे 20% का लाभ होता है, मतलब x प्लस x का 20%, तो कितना है 960 रुपया है ना, तो x प्लस x का 20% 20/100 बराबर 960 रुपया, 20/50 100, तो x प्लस x बटा 5 बराबर 960 रुपया। तो ये क्या हो गया, 5x प्लस x बराबर 960 रुपया, गलती कर दिए क्या, इंटू 5, ऐसा इसका लघुत्तम लेगो तो क्या होगा, तो 6x बराबर, बोलता नहीं, हेलो हेलो, ये हेलो सर, बोलते क्यों नहीं भाई, 5x मैं देख रहे थे सर, आप क्या कर रहे हैं, x 6x / 5 आया तो उधर 5 चला गया, तो 6x आ गया, 6 से काटो, 6 से 96 कटेगा, 6 × 1 = 6 = 3 सही है ये सर, 6 × 60 = 5 ये इससे 800 ही आएगा इसका, 6 से काटो 160 / 36 = 96 ये कितने बचे, 6 × 6 हाथ में 160 पे कट जा रहा है, 16 / 85 आया नहीं आया, यस सर आ गया। ऐसे तुम बनाए और सीधे बोला है कि ऐसे देख लीजिए कि सीधे बोला 20% का लाभ हो रहा है, जो बोलेगा यहाँ 20% की जगह 50% रहे, तो 150% बराबर 960, ऐसे कर देना है, यहाँ पे 80% एक और सूत्र होता है, बताए एक और सूत्र है,
एक और सूत्र आप बताएंगे, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ परसेंट, ये भाई साहब ये फॉर्मूला एक भाई साहब और बता रहे हैं। ये फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला भाई साहब क्या बता रहे हैं जो मेरे को पता है ना, पर देखो चीजों को समझ, वही बात है जो क्रय मूल्य सीपी का एक फॉर्मूला लिखो, सीपी का एक फॉर्मूला लिखो, विक्रय मूल्य इंटू 100, एक फॉर्मूला और लिख लो, विक्रय मूल्य 100, 100% 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब देखो क्या होता है, विक्रय मूल्य 960, वही चीज तो है भाई, 960 इंटू 100 बटा 100 प्लस 20%, तो ये हो गया 960 इंटू 100 बटा 120। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 960 इंटू 100 बटा 120 किए या नहीं किए? अरे हाँ यही चीज तो, बात तो वही गया सर, बात तो वही गया, मैंने मतलब सूत्र से हुआ सर, तो सिंपल हो जाता है, सूत्र से हुआ तो सिंपल हो जाता है। सूत्र भूल सकते हो ना, सूत्र भूल सकते, हाँ वो लेंदी मतलब लेंदी पिछले वाले बताए ना सर, वो लेंदी था, ये थोड़ा शॉर्ट है सर। सीपी क्या है सर? सीपी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, समझ गए सीपी का फॉर्मूला? आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़िए, चलो अगला क्वेश्चन, जिसको समझ में ना आए ना बोलो। देखो तीन, एक सवाल को हम अभी तीन तरीके से सोल्व हुआ ना, तीन तरीके से सोल्व, ऐसे ही सोल्व करते चले जाना है। जो तरीका आपको उस समय इंस्टेंट, जितना टाइम कम है, जो तरीका आपको समझ में आए, तो आप लोग एक बनाओ, आप लोग बनाओ एक गाड़ी, और इसको जो तरीका से बनाना है उस तरीका से बनाओ। एक गाड़ी 18,000 रुपये में, के का मतलब 1,000 होता है, नहीं देखते मेरे YouTube चैनल पे, के एक के, yes, sir. के बेचने पर 20 भाई थोड़ा धीरे बोलना भाई, लाभ होता है कौन ने? मैं धीरे बोलूं? नहीं सर, वो नहीं बोल रहा सर, आपको नहीं बोल रहा है, गैलेक्सी बॉय कौन कौन लड़का आता है यार, गैलेक्सी बॉय भाई साहब आप कौन है सर, ग्रुप में है आप? गैलेक्सी बॉय क्या लाभ की राशि ज्ञात करें, लाभ की कितना लाभ हुआ? देखो ये 18,000 लिख ही देते हैं ना, तो तुम लोग ऐसा लड़का हो ना, लिख ही देते हैं। अब इसको तो बनाना और आसान है, इसको बनाना और आसान है, नहीं बना दोगे? समय भी दे देते हैं तुम लोग को, इसको देते हैं 20 सेकेंड, अब 20 सेकेंड में बनाओ, जल्दी से 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में बन जाएगा सर? हाँ सर, हमको फॉर्मूला ही नहीं पता चल रहा कौन सा लगा है। फॉर्मूला नहीं लगाइए, परसेंटेज लगाइए सर। 3,000 सर, 3,000, 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 3
20% का लाभ होता है, ठीक है, तो तो उसका 18,000 पे 18,000 क्या है आपका एसपी है 18,000, तो इसपे 20 इसका इसपे 20% का लाभ हो रहा है, तो कोई चीज एक मान लिया जाए तो 120% बराबर 18,000, तो 100% बराबर क्या होगा, तो सीधे लिख लो 18,000 बाई 120 इंटू 100, इसको ऐसे कर लो 12 से काट लो कितने मरतबा 15 मरतबा, ये हो गया 1500, ये 15,000 मतलब वो चीज़ थी 15,000 की, बेचा 18,000 में, मतलब लाभ कितना हुआ 3,000 का, हो गया ना, समझा देते हैं सबर करो, नहीं समझे, देखो बेचा कितने में, एक बार फिर से समझाइए सर, एक बार आराम से समझा देते हैं, इसको मीठा समझाइए, बेचा कितने में, इसका एसपी क्या है,
सेलिंग प्राइस 18,000, ठीक है, परसेंट लाभ परसेंट 20%, 20% है ना, तो लाभ की राशि ज्ञात करें। तो हम आपको बताए थे कि 20% लाभ बोल रहा है तो सीधे कर लेना 120, 120% बराबर 18,000। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 20% लाभ 120%, तो 120% बराबर 18,000, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा, तो 18,000, 18,000 बाई 120 इंटू 100। एकिक नियम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 120 बराबर 18,000 तो एक बराबर, छोड़ो इसको भी, आओ तुम आओ, तुमको बच्चा बनाते हैं। 120 बराबर 18,000 तो 1% बराबर, एक बराबर कितना होगा, तो 18,000 बटा 120, तो 100% बराबर क्या होगा, अच्छा ये ठीक हुआ, ये समझ में, 118 बाई 120 इंटू 100, ये ठीक लगा, 5 चॉकलेट का दाम 10 रुपया था, 1 चॉकलेट का दाम नहीं पढ़ते थे बचपन में, 10 रुपए 5 जी सर, तो इसको पढ़ लिए 150 मरतबा, तो ये हो गया 15,000, मतलब उसका सीपी क्या था 15,000, एसपी 18,000, तो ये क्या हो गया 3,000 का प्रॉफिट। देखो इसको ऐसे बनाओ, इसको एक तरीके से आओ करो, 120% बराबर 18,000 रुपया है ना, तो सीधे हम निकालते हैं कि 20% क्या होगा, देखते हैं निकाल कर क्या होता है। तो देखो 120% 18,000 है, तो इसको 6 से भागा दे देंगे, इधर भी 6 से भागा दे देंगे, तो 6 × 2 = 12, 20% आ गया ना, तो 6 × 3 = 18, 3,000 आंसर। देखे क्या किए, मैथ जादू है, इस जादू को तुम जैसे जैसे दिखाओगे वैसे ऐसे दिखेगा, इतना भी करने का जरूरत नहीं था। 120% बराबर 18,000 है, तो 120% हुआ 20% होना, 1500 होगा या 3,000, 3,000 ना होगा, 3,000 होगा, 6 × 3 = 18, देखो ये 15,000 सीपी है, 3,000 प्रॉफिट है, 3,000 प्रॉफिट है। देखो ये क्या किया, उससे भी अच्छा उतना जो सीपी भी नहीं निकालना है, सीपी काहे को निकालेंगे जब सीपी पूछ ही नहीं रहा, तो जो पूछेगा उतना ही काम करेंगे, टाइम हम लोग के पास नहीं होता है, जितना पूछे उतना जवाब देते हैं। 120% 120% 18,000 हुआ ना, 120% 18,000, तो जो लाभ की राशि पूछ रहा है कि कितना पैसा लाभ हुआ, तो वही 20% लाभ होता है ना, इसी 20% को पूछ रहा है, इधर राशि में पूछ रहा है वही चीज इधर परसेंटेज में लिखा हुआ है, यही बात है ना, कि हम इधर की 20% का लाभ होता है, तो ये जो लाभ की राशि है मतलब कितना लाभ हुआ, कितना पैसा लाभ हुआ, इस पैसा को क्या किया गया है, परसेंटेज में लिखा हुआ है कि 20% का लाभ हो रहा है, नहीं समझते हो सर, समझ गए हम तुम्हें बोल, यस सर, मतलब 20% का लाभ है, इसको परसेंट ना बाकी अमाउंट में लिखेंगे, हाँ कि परसेंटेज में लिखा हुआ है तो इसको अमाउंट में क्या लिखा, तो 120% बराबर 18,000 रुपया है, तो 20% पूछ रहा है, 20% इसको 20% कोई भी चीज जानते हो, जब आप 12 पास आउट किए होगे तो आप कितने बड़े बड़े इक्वेशन, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और क्या क्या, ट्रिगो, ये सब पढ़े होगे, तो इसमें पढ़े होगे तो आप एक चीज पढ़े होगे, यदि इधर 120 लिखा हुआ है और इधर 5,000 लिखा हुआ है, तो इधर यदि हम 10 से मल्टी भाग दे देंगे, इधर भी 10 से भाग दे देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा, नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 100 से भाग दे देंगे, इधर भी 100 से भाग दे देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नो सर, कोई फर्क नहीं आपका पड़ेगा, इधर भी दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, इधर भी कट रहा है, इधर भी कट रहा है, तो मेरे भाई सर, तो 6 से गुना क्यों करेंगे सर, अगर मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि 6 से करना है कि 7 से करना है, देखो इस पता चलेगा जब चीजों को बनाने से पता चलता, 120 को यदि 6 से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पूछता 40% का लाभ होता है, तो देखो यहाँ पे यदि 6 से करेंगे तो ये 20% बन रहा है, 20% बन रहा है ना, तो इधर भी 6 से कर दो,
जी सर, जी सर, हाँ सर, ये 20% इसको बनाना है, इसको 20% बनाना है। अब 20% बराबर 3000, तो यही ना है कि परसेंट, परसेंट को राशि में बताना है, परसेंट को पैसे में बताना है, समझ गए सब के सब? आज इसको नहीं समझ में आया। हाँ ये सर, ये सिंपल रूल भाई, सिंपल रूल है सर। देखो चीज को हम बता, 40% निकालना, 300 भागा दे देंगे। जैसे एक सवाल ऐसा करें और करवाएं। हाँ सर, हाँ सर, करवाइए। एक सवाल की तुम्हें दिमाग में आया या नहीं आया ये देखते हैं। देखो हम एक सवाल और करवाते हैं इसी बेसिस पर, एक सवाल, इसलिए इतना इसको रंग पोत रहे हैं कि पीडीएफ तुम देखो, क्वेश्चंस को देखो, तो रिवीजन करने में आप लोग को आसानी हो। एक देखो सवाल, एक घड़ी को 20,000, सर मेरा 3,000 नहीं आ रहा है। अरे 20,000 भाई, तुम्हारा 15,000 आ रहा होगा। हाँ 15 आता है। हाँ तो वो 18 में से 15 घटा दो ना। आ जाएगा, आ जाएगा। 20,000 रुपये बेचने पर, 20,000 रुपये बेचने पे 50% का लाभ होता है, 50% का लाभ होता है। क्लास उठा गया, क्लास उठा गया। हाँ आ गया। तो लाभ की राशि ज्ञात करें। अब राशि मतलब वो राशि नहीं, गोपी और राशि वाला नहीं, राशि मतलब पैसा। अब समय आपको देते हैं, समय देते हैं, चलिए शुरू शुरू है तो 30 सेकंड दे देते हैं, आधा मिनट। अलार्म सर इसका पॉइंट में आएगा क्या? पॉइंट में देख लो, मतलब हम तो अभी सवाल अपने मन सर 13,333.3 आ रहा है। पॉइंट में तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, 50% का लाभ हो रहा सर, पॉइंट में ही आ रहा है। इसको 50% बना दो, 100, हाँ पॉइंट में हो सके जो आ जाए सर। 13,333.3 आ रहा है। देखो क्या है, देखो वही ट्रिक लगाते हैं, वही ट्रिक लगाते हैं, वही भी ट्रिक लगाते हैं। कितना दिया हुआ है? 150% बराबर कितना? 20,000। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? 50% का लाभ होता है ना, इसको 50 बनाने, इसको 50 बनाने के लिए 3 से यदि मल्टी भागा दे देंगे तो ये 50, जैसे 6,667 आया सर, ये 50 बन जाएगा। 13,399 घटेगा तब आएगा 6,667। अच्छा सुनो ना, सुनो ना, ये 150% बराबर 20,000 है, तो 50% बराबर, तो इसको 50% बनाने के लिए 3 से भागा दे देंगे। हाँ सर, तो इसको 3 से, तो इसको भी 3 से भागा दे दीजिए। अब 20,000 में 3 से भागा दे दीजिएगा तो क्या होगा अप्रोक्स? 6,600 वाला जो है पॉइंट, हमको समझ में बार बार नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है सर। 150 वाला पॉइंट हमको बार बार समझ, 150 वाला परसेंट वाला पॉइंट बस बार बार नहीं समझ में आ रहा। ठीक, हम समझा देते हैं। परसेंटेज में निकलता है, ऐसे बनाना है सर ना। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, हम अपने आप में 100%, परसेंट का मतलब 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। देखो बस बताएं कि रीजनिंग में भावना को समझे थे, मैथ में भावना को मत समझो, मैथ में बातों को समझो। अब देखो कोई भी दुनिया की चीज 100% होती है, यदि हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो हम 100% पे खरीदते हैं। ठीक है, कुत्ता यदि हम खरीदे तो 100% पे खरीदे, और वो कुत्ता भी अपने आप में 100% है। ठीक है, कुत्ता का बच्चा खरीदे तो वो भी 100% है। तो देखो हम बोले कि कुत्ता को, बच्चा को हम 20% लाभ पर बेच दिए, बोले हम 20% लाभ पर बेच दिए, तो अब उसको क्या पे हम बेचे? तो हम उसको 120% पर बेचे, 120 पर। यदि हम बोले कि 20% हानि की बेचे हैं तो उसको हम बेचे हैं अपने 80% पर। मतलब कि ये 100 जो होता है वो हमारा बेस होता है, और यदि हम बोलेंगे कि 40% का लाभ हुआ तो हम उसको बेचे हैं 140 पर।
यदि बोलेंगे कि 40% का हानि हुआ तो हम उसको बेचे हैं 60 पर, यदि बोलेंगे कि हम उसको 80% पर बेचे हैं तो मतलब कि उसको हम बेचे हैं 180 पर, यदि हम बोलेंगे कि 80% लॉस पे बेचे हैं तो उसको मतलब कि हम 20% पर बेचे हैं। सौरभ तुम बताओ मेरे दोस्त, तुम बताओ, हम बोले कि समर सेल अमेजोन का चल रहा है जिसमें क्या है कि 40% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 40% डिस्काउंट, एक होता है फ्लैट एक होता है अप टू, इसका मतलब समझते हो, जाते होगे शोरूम में। यस सर, अप टू मतलब 40% या अप टू, सर अप टू मैंने समझते हैं 40% मिलेगा और अप टू मतलब 1% मिल सकता है और 40% के बीच में देगा, समान है सब पे 40% मिलेगा, और अप टू 40% मतलब कि उसमें कुछ कुछ ऐसा सामान है जिसपे 40% मिलेगा, बाकी कुछ ऐसा है जिसमें 20, बाकी कुछ ऐसा जिसमें 10, तो भाई मतलब 40% मिल सकता है अप टू मतलब। तो यदि भाई यदि कोई चीज 40% समर सेल में छूट है और 100 रुपया का कोई चीज है तो आपको कितना में मिलेगा जरा बताओ मुझे। 60 रुपया में सर, 60 रुपया में, 60 रुपया में कैसे मिलेगा, कैसे क्या कर दिए, 40 घटा दिए 100 में 40 घटा दिए। तो हम यदि बोलते कि भाई वो चीज 200 रुपया की थी और 40% तुमको ऑफ दिया गया, तब तुम्हें कितना में मिलेगा, 120 रुपया में मिलेगा, क्या किए इसका 40% निकाल कर घटा दिए, 10 कर दिए, तो 4 × 8 80 रुपया, और 80 रुपया को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो भाई हम यही तो बात यहाँ पे बोल रहे हैं, यही तो बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने आप में कोई चीज 100% होती है, हम बोले 50% का लाभ तो मतलब 50% एक्स्ट्रा 150%, ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना। हाँ सर। यस सर। सर आगे बनाओगे? हाँ सर। आंसर कितना है सर? आंसर 6666 हो गया समथिंग सर, एक बार पीछे कीजिएगा, 67 रुक जाओ, 67 क्या बोल रहे हो, सवाल लिखो। त्रिलोकी एक कार 7,860 रुपये में खरीद कर, खिलौना वाला कार है, परसेंट लाभ पर बेच देता है, लाभ पर बेच देता है, उसका एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस या उसका विक्रय मूल है, टाइम 30 सेकेंड 40 सेकेंड। सर जी विक्रय मूल 1572 है जी, नहीं विक्रय मूल पूछे सर, हमें लगा लाभ की राशि पूछे सर, 6288 लाभ की राशि पूछे, अच्छे से कीजिए, हमें लगा लाभ की राशि पूछे, वही लगा सर, अच्छे से कीजिए, ठीक है। अरे भाई विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, फॉर्मूला लगा भाई, तो विक्रय मूल्य तो बता रहे हैं 6288 नहीं, अच्छे कीजिए, सर 9825 सर, 9825 बिल्कुल सही जवाब, 25 देखो टाइमर लगाया भाई बनाए, 9825 क्या बोला जा रहा है कि 125, देखो 25% का लाभ मतलब 125% बराबर 7,860 रुपया, तो उसका खरीद कर, ओहो सॉरी 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 सर, आप
ये क्या कर दो परसेंट का लाभ बेचता है तो 60,860 × 125/100 काटा कुटी करो इससे इसको। अब इससे ये करो कि 5 से काटो 5 × 10 और 25 25 25 आ रहा है सर 393 × 25 सर 393 किया 6 हाथ में 393 393 को 25 से मल्टीप्लाई सर मेरा 6,550 आया सर। सर 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ए यार इतना 6,550 आ रहा है। 15 की 5 हाथ में 9 × 5 = 45 146 की 6 हाथ में 4 5 3 9,825 लेकिन सर 3 × 6 9 × 18 की हाथ में 1 और 3 × 6 = 7 5 6 = 12 के 2 हाथ में 1 9 × 17 = 18 की हाथ में 1 7 = 8 9,825 आंसर। सर मैंने तो इसका 25% निकाल कर उसमें जोड़ दिए थे। 25% भी निकाल सकती हूँ ऐसे भी कर सकते हो। देखो इतना इतना दिन नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे करो भाई सर एक लॉजिक है 7,860 × 25/100 25% मतलब 25/100 इससे काट दो और 5 × 10 कर दो और 5 × 10 कर दो 5 × 25 = 25 कर दो और 2 से कर दो 393 मरतबा और 5 × 15 हाथ में 1 9 × 45 = 46 की 6 हाथ में 4 19 और 1965 उसमें क्या कर दो जोड़ दो 7,860 और 1965 5 6 = 12 2 हाथ में 1 9 × 17 = 18 किया हाथ में 1 7 दोनों तरीका से बना सकते हो। पर भाई ये क्यों करना है जब मुझे तरीका और बन सकता है सर तरीका और बन सकता है जैसे 7,860 है ना तो उसका 25% रहता है उसका मतलब चौथा भाग उसका बेनिफिट होगा लाभ तो हाँ। 4 से भी भाग देंगे उसके बाद उसको फिर ऐड कर दीजिए। ये सर क्वेश्चन में 25 है तो आप 125 कहां से लिख दिए। अरे 125% का लाभ है ना बेचता है ना तो बोले ना कि जो भी बोलेगा उसको 100 में ऐड कर देना है 100% में ऐड करना तो 100% फिर 25% का लाभ मतलब 25% मतलब 125% पूछ रहा है। ये yes. देखो 7,860 रुपया जो है ये अपने आप में 100% है ये अपने सर आ गया सर आंसर मेरा भी आ गया फिर 25% पूछ रहा है। देखो भाई भी बताया जिससे जैसे 7,860 रुपया है 25% का लाभ पूछ रहा है इसको सीधे 4 से भागा दे दोगे तो सीधे तुम्हारा जो आ जाएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा सीधे प्रॉफिट आ जाएगा और इसके बाद ऐड कर दो हो गया ऐड कर दो। देखो कितना ट्रिक है मिनट का काम है मिनट का काम तो मिनट के काम को तुम्हें सेकंडों में बनाना है सेकंडे को काम में तुम्हें नैनो सेकंड में बनाना है कलम नहीं बहुत सा सवाल पे कलम नहीं उठना चाहिए सेकंड सर कलम उठा दिए। देखो मेरे पास तो ये क्या इसको बोलते हैं पेन दूसरा टाइप का है ना तो हम उठा सकते हैं पर तुम मत उठाना। देखो अगला सवाल अलग तरीके के सवाल है। कितना लड़का है देख लेते हैं जरा 40 लड़का उठ गए तुम लोग देख लेते हैं एक बार जरा सा एक बार वोट कटवा को पहचान लेते हैं इसमें कौन डेली आता है कौन वोट कटवा है। तो अभी कोई वोट कटवा नहीं है बाकी सब टाइम पे तुम लोग जो हो 6 बजे भी उठे हो तो वोट कटवा नहीं हो बाकी लोग 5 बजे उठे हैं सर 1 घंटा पूरे मूड फ्रेश किए हैं मेडिटेशन उद्देशन हम तो रोज उठते हैं सर रोज उठते हैं सर इस टाइम मेरा क्लास रहता है रोज आज छुट्टी था नहीं सर हम तो गांव में रहते हैं इसलिए सारे 4 बजे उठना पड़ता है हमें। हाँ गांव में सबको उठना पड़ता है भाई गांव में कंपलसरी हाँ गांव में सब पहले उठता है गांव में 8 बजे तक सो गया ना तक कहेगा पटनिया विद्यार्थी सब यही करता है 8 बजे तक सोता है। एजुकेटेड फैमिली तो नहीं रात में पढ़ लेते हाँ रात में पढ़ लीजिए तो फिर समझ जाता है कि एजुकेटेड फैमिली के मतलब रात में पढ़ा होगा तो अभी तक सोए हुआ है बट थोड़ा नॉर्मल आदमी जो है वो कहेगा कि पतला का विद्यार्थी नहीं भाई हम 9 बजे तक सोते हैं घर में तो मम्मी आएगी 4 लाती मारेगी हम जस्ट उठ के खड़ा हो जाएंगे 9 बजे तक सो गए ना तो उस दिन हम पिटा गए किसी गुस्सा कर लेते सब सर किसी वस्तु को 48 रुपए में
खास करके बिहार में सर ज्यादा होता है ये सब। 24 साल मेरा एज है, हम भी मार खाते हैं, अभी भी माँ से मार खाते हैं, पिताजी तो नहीं कुछ करते हैं। 20% का लाभ होता है, पर माँ का, माँ एकदम एक मिनट मर्सी नहीं करती है, ठोक देती है। 20% का लाभ होता है उसे कितना में बेचा जाए कि जाए कि 5% का लाभ हो। सर 42 रुपया। अब देखो इस सवाल को बनाओ, इस सवाल को बनाओ। सर 42 रुपया। 12.5 रुपया सर। 5% कैसे सर, कैसे 12.5 रुपया आंसर आएगा सर? 42 रुपया होगा। 42 रुपया वाले 12.5 होगा भाई, 120/48 गुना 42 रुपया सर। 42 आपका सही है सर। 42 सर, 42 रुपया। अब देखो एक 100% भाई सीपी निकाल के उसका 5% निकालो ना। 100% है, नहीं देखो क्या करना है, होशियारी। 42 सही है, 42 सही है, होशियारी करते हैं। 120% बराबर 48 रुपया है ना, है कि नहीं है? यस सर। इसका 5 फिर 5% लाभ निकालना है, ठीक है? इसका हमको निकालना है 105%, 105%, 5% का लाभ मतलब 105%। तो देखो 48/120 × 105 कर सकते हैं। यस सर। देखो 12 × 48, 12 × 20 से ये हो गया 5, ये हो गया 2, 21/75 से और 21 × 42 आंसर। चीजों को x से बनाओ, ये नहीं समझे सर, 120/40 दिन होगा सर, 48 होगा ना सर, 48 में बेचे ना सर, हमारा है सर 40 में बेचने का लाभ होता है, तो लाभ हुआ ना बेचने पर, तो 120% बराबर दिया हुआ है ना, 100% वाला नहीं दिया हुआ ना। अब देखो क्या बोलता है कि एसपी कितना है, देखो एसपी कितना है 48 रुपया, एकदम भावना को समझो। तो इस पे 20% लाभ हो रहा है, मतलब 48 रुपया बेच दिया तब ना 20% का लाभ हुआ, तो वो 100 रुपया में खरीदा होगा कोई चीज 100% में, और उस पर 20% प्रॉफिट लिया तो 120% हो गया। तो ये वाला 48 रुपया ना है सर, है या नहीं है? हाँ सर। देखो 48 रुपया में बेच दिया तब 20% का लाभ होता है, बातों को समझो। 48 रुपया में बेच दिया तब 20% का लाभ होता है, मतलब कोई चीज 100% पे खरीदा होगा, कितना रुपया में खरीदा हुआ, किसी रुपया में, ये नहीं बताया कि कितना में खरीदा। हम बोले, हम तुमसे बोले कि तुम 20 रुपया में किसी चीज को बेच दिए तो तुमको तुम्हें लाभ हुआ, तो तुम खरीदे होगे ना कम में, 20 रुपया से कम में खरीदे होगे किसी दाम पे, तब तो तुम्हें लाभ हुआ। सर। समझ रहे हो? ये सर समझ रहे हैं। इसके पहले परसेंटेज, ये सर, ये सर, ये सर, परसेंटेज बताना चाहिए, गलती कर दिया सॉरी सर। 40। तो देखो तो 100% मतलब 120% का वैल्यू 48 रुपया दिए हुए है, तो पूछ रहा है कि 5% लाभ हो। अभी तो 20% लाभ कमाया है, पर कमाने हम परोपकारी करना चाहते हैं, हम कमाना चाहते हैं 5% लाभ, 20% लाभ नहीं, 5% लाभ कमाना चाहते हैं। तो 5% लाभ कमाना चाहते हैं, तो देखो पहले देखो इसका निकालो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालो। तुम लोग बड़े निमिठर से ही समझोगे, चलो बड़ा मीठा ही तुम लोग को बताते हैं, फॉर्मूला ही सारा का सारा करते हैं। आ गया सर, 42 आ जाएगा सर। जाइए ना भाई, जाइए ना, समझ तो रहे हैं, जाइए ना, जाए ना, अच्छा तो बना रहे थे तो। हाँ, सर, ना पहले वाले सर, आगे जाइए ना, तो वही ना बताना, सबसे पहले जो बताए थे ना सर, 120% वाला, उसी पे बहुत आसान है। तो देखो अब हम परोपकारी है तो 5% लाभ ज्ञात करना है,
कोई भी चीज अपने आप में देखो क्रय मूल 100% पर होती है, तो 5% यदि लाभ कमाएंगे तो मतलब 105% कमाना है। अरे हाँ ना बोलो ना। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो 5% लाभ कमाना है तो मतलब 105% कमाना है, 50% लाभ कमाना है मतलब 150% कमाना है, 40% लाभ कमाना है मतलब 140% उस चीज का कमाना है। तो देखो कमाया है 120%, कितना में 48 में बेचने पर 120%, तो 105% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो क्या हुआ, 100% का वैल्यू निकालो, तो 100% का वैल्यू निकालोगे तो 120% बराबर 48, तो 1% बराबर 48/120 और 100% बराबर 48/120 × 100। इतना देखो कितना करना पड़ेगा, एक जीरो से एक जीरो, 12 × 48, 10 × 40, 40 रुपया इसका आ गया सीपी कोस्ट प्राइस, 100% का वैल्यू 40 रुपया। अब 40 रुपया में 5% कमाना है तो 40 × 5/100 करोगे तो 1 × 0 = 5 × 10 और 2 × 2 = 4, अब 2 रुपया 40 में जोड़ोगे तब 42 रुपया आएगा, आया या नहीं आया 42 रुपया। ऐसे करोगे, उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, होशियार आदमी उतना नहीं करता है। होशियार आदमी करेगा 120% बराबर 48 रुपया, तो सीधे 5% लाभ मतलब 105% बराबर, तो सीधे 48/120 × 105, 12 × 48, 12 × 10 = 20 से, अब 5 × 2 = 10, 21/5 = 75 से, 2 × 2 = 4, 21 × 2 = 42। एक लाइन, एक लाइन में सवाल का जवाब बनना होता है, एक लाइन में। डेक्स्टर नेक्स्ट नेक्स्ट, बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट, एकदम देखो एकदम कितना है, अभी 6:53 ही हुआ है ना, एकदम एक इतना सवाल करेंगे जो नहीं समझ रहा है ना, पहला सवाल नहीं समझेंगे, दूसरा सवाल नहीं समझेंगे, पांचवा सवाल नहीं समझेंगे, दसवां सवाल नहीं समझेंगे, अरे एक तो समय ऐसा आएगा ना कि समझेंगे कि हो क्या रहा है, समझना पड़ेगा। इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर कितना आया था भाई जी? 42 सर जी। एक सवाल नहीं समझेंगे, दो सवाल नहीं समझेंगे, समझेंगे यार जब हम हैं तो समझेंगे सर जी। हाँ सर जी। हाँ सर, 8 बजे तक छोड़ दीजिएगा भाई, देखो यार 8 बजे तक छोड़ दी, अरे आपको पीडीएफ मिल जाएगा अंशुल भाई, क्या चिंता करते हैं, छोड़ देंगे छोड़ देंगे, 8 तो पीडीएफ की बात नहीं है, 8 तो बजने के पहले। अब देखो घर जाना है सर, एक दिवाली 20% लाभ किस दाम पे बेचे की 20% लाभ प्राप्त हो, आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ, एक घड़ी दिखाई दे रहा है, यस सर। हाँ सर, एक घड़ी 11 तो बोले ना कि एक सवाल नहीं समझेंगे, दो नहीं समझेंगे, तीन नहीं समझेंगे, अरे एक तो ऐसा समय आएगा जब समझेंगे। 1140 रुपये में बेचने से, 1140 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को एकदम देखो, एक व्यक्ति को सुबह सुबह का समय है, रात भर की नींद है, एकदम फ्रेश मूड से क्लास इसीलिए हम करवाए, हानि होती है, ऐसा थोड़े कि रिकॉर्ड करके लेक्चर दे दिए, समझा नहीं समझा, आप जब तक समझाइए हम जब तक समझाए। गूगल मीट प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा है, 5% लाभ कमाने के लिए क्वेश्चन बोल कर लिखाइए ना, नहीं तो लिखना पड़ता है। एक घड़ी 1140 रुपया में बेचने पर से एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए, 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जाए, किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? 1260। बिल्कुल सही जवाब भाई, क्या एकदम क्या कर रहे हो तुम लोग, एकदम तुम तहलका मचा रहे हो, सही जवाब 1260। देखो ये सब भाई, ये सब ब्रांडेड है, एकदम सही जवाब आ गया, देखो
मतलब कॉन्सेप्ट लड़का थी पकड़ ले ना, लड़का कॉन्सेप्ट पकड़ लेते तो हमरा ऐसा छोटा मोटा मास्टर को पढ़ाने में मजा आ जाए। एकदम दे रहे हैं तुम लोगों को एक तब एक में तब लोग तब तक एक आप भाई एक अगला क्वेश्चन लिखिए, तब तक आपको भी बैठा कर रखने की जरूरत नहीं है, एक मिनट का टाइम तुम्हें देते हैं। तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर, करिए ना, रहने दीजिए ना, सब साथ में चलेंगे सर। एकदम करो, मन से पढ़ो, पढ़ते हो तो मुझे मजा आता है, पढ़ते तुम्हें हो, एडमिशन होगा तुम्हारा, नाम होगा तुम्हारा, मजा आता है मेरे को। सर हो आज क्वेश्चन बन जाएगा ना सर, वहाँ वाला कहाँ वाला वो सर वो जो पूछेगा एंट्रेंस में सर, तो सर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना सर, क्या करवाएगा क्या, यदि लाभ हानि से क्वेश्चन देगा तो यही देगा ना, एक दिन पूरा 2 घंटा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, सवाल उससे आएगा, टीचिंग आज एक वीडियो बनाए हैं एडिट करना है बस। सर एक रिक्वेस्ट था सर आपका, शाम वाला जो बेस्ट था ना सर 5 बजे वही बेस्ट था सर, या 7 बजे, क्योंकि सुबह में सर रोज रोज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अरे कल में एक बीपीएससी का बस पीटी है कल, तो हाँ सर कल आपका एग्जाम है, हम भी जानते हैं। आज आज तो चले राजगीर सेंटर है, 1260 है क्या सर? राजगीर से ही हमें सर, बोलिए 1260 ना, हाँ मिल गया सर, मिल गया सर, मिल गया ना। यस सर मेरा देखो जियो, हाँ सर मिल गया एकदम। देखो बना, देखो 5% की हानि होती है, मतलब कि 100 का चीज 95% में बेच दिया होगा, 1140 तो 105% 5% का लाभ, तो 105% कमाना है, 1140/95 इंटू 105 का काटो 5 से 19/95 21/75 से 21 से 114 कट जाएगा, कितने मरतबा बोलो? 6 मरतबा तो 11 21 26 से 1260 देख रहे हो 95 देख रहे हैं सर, देख रहे हो ना। चलो आगे आ जाओ, समझ भी रहे हैं और अब बना भी रहे हैं सर। अब देखो एक सवाल आओ, सबको हम दिखाते चलेंगे ना, सबको दिखाते चलेंगे, आगे बढ़े सर। 95 यस सर, 5% की हानि हुआ सर, तो कोई भी 100 माइनस बताए ना, कि एक कुत्ता भी अपने आप में 100% होता है, बिलाई गधा सुअर आदमी हम तुम सब अपने आप में 100% है, क्रयमूल 100% होता है, तो 5% की हानि हुई मतलब 100 की चीज को 95 में बेचा, 5% का लाभ मतलब 100 की चीज को 105 में बेचना, 100 मान 100 बेस है, अब पूरा रेशियो 100 पे चलाओगे, परसेंटेज पर होगे 100 पे चलोगे, 100 जो है ना 100%, ओह ऐसा है ना, इससे दिल लगा लो, और जब दिल लगा लोगे इससे तो फिर तुम्हें ये बहुत दूर तक लेके चला जाएगा, कम से कम 4-5 चैप्टर ये पढ़ोगे। फिर देखो CISI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस 100% को बोलो कि आओ मेरे से दिल लगाओ, यदि दिल नहीं लगता है तो फिर दिक्कत है। आ जाओ एक चीज बता दो, त्रिभूषण नाम का, त्रिभूषण क्यों राम लिखो, राम एक साइकिल 486 रुपया में खरीद कर, खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 214 रुपया खर्च करता है। देखना दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना, दुनिया कॉमन सेंस पे चल रहा है। यदि वह 10%
यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य याद करें 770 सर। क्या 770? कितना? 770। क्या मजाक बना दिए हो, बताओ यार। हम सवाल दे रहे हो, बताओ। सर सिंपल वाला सवाल था, जोर करके सर परसेंटेज निकालिए, तो सबसे हल्का सवाल था सर। यस सर, सब बनाओ, सब बनाओ 770। हम आपका सोच को देखे थे कि 486 में 656 आया ना, 214 ऐड किए या नहीं, 700 आएगा। इस सोच पे आप खरा उतरे। 6 4 10 हाथ में एक, 9 1 8 1 9 1 10 की सुनना, हाथ में एक, 4 700 और 10% लाभ मतलब 110/100 यही किए थे। यस सर। और 1117 556 आया, ये एक जीरो नहीं कटेगा, 1177 जीरो 770 सर। वाह, तक का सबसे आसान सवाल आगे। अच्छा सवाल आसान, एक मिनट रुक जाइए ना सर। सवाल को आसान होगा तब तो आगे होगा। यस सर। देखो अगला सवाल सर कैसे बनाए सर, एक बार फिर से बता दीजिए ना आप। देखो भाई तुम्हारा मैथ अब लगता है भाई ज्यादा कमजोर चल रहा है। ये सवाल तो हल्का था, बैक करिए ना, बैक करिए ना, एक बार बैक करिए ना। इस सवाल में देखो क्या हुआ था भाई, 486 रुपया में खरीदा और 214 रुपया उसको मरम्मत पे लगाया, वो भी तो उसके क्रय मूल्य में ही ऐड होगा ना। जी सर। तुम एक देखो, तुम एक मोबाइल खरीदे तो उसका डिस्प्ले टूटा हुआ था, तो तुम खरीदे 2000 रुपया में, अब डिस्प्ले बनाया 3000 रुपया में, टोटल हो गया मोबाइल का कीमत 5000 रुपया हुआ या नहीं हुआ। अब तुम उसको बेचोगे तो 5000 को देखकर बेचोगे या 2000 देखकर बेचोगे? 5000 सर। वाह 5000 सर। जियो तो 6 4 10 की सुनना, हाथ में तीनों को ऐड करोगे या नहीं करोगे? तो ये 6000 देख के सोचेंगे सर। 6000 देख के सोचेंगे। हाँ 1000 बेनिफिट सोचेगा। हाँ उसके बाद ही सोचेंगे, उसके बाद सोचेगा। बहुत बढ़िया, तो सवाल बनाओ। सवाल थोड़ा सा अच्छा है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल, थोड़ा सा सवाल अच्छा है। 20 वस्तुओं का सीपी, 20 वस्तुओं का क्रय मूल, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 770 था ना सर पिछला का आंसर? हाँ विक्रय मूल्य के बराबर है। कहाँ है सब बताओ ना यार। लाभ 170 लड़का है, आज वीडियो डालेंगे तो दो चार को एडमिशन आज लेवे करेगा। हम ध्यान ही नहीं दिए ना, बहुत वो जो 911 वाला व्हाट्सएप खत्म हो गया ना वो सर। क्लास को क्या हो गया उस मास्टर सर? देखिए हम बेल्ले आदमी नहीं है, सबसे बड़ी बात हम आपको आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको लगा होगा कि ये बेरोजगार टीचर है, मास्टर बेरोजगार है। बहुत बड़ा काम है, मेरे को खुद BPSC पढ़ना होता है और हम पूरी सर आपका सेंटर कहाँ गया सर बताइए ना। सेंटर मेरा बताते ना कि बिहार PT मेंस नहीं हुआ ना बिहार दरोगा मेरा कल वाला। हाँ सर मेरे अंकल का भी नहीं हुआ, वो भी दिए थे। वो अति करते ना, हम दिलवाते हैं तुमको क्या बताएं क्या करते हैं। मेंस नहीं हुआ कल, राजगीर सेंटर है कल। सर लाभ है सर, सर राजगीर से ही एक हम राजगीर से ही है। दीदी को लेकर चलना है, दीदी मेरी देती है एग्जाम में, देती है दीदी को लेकर जाते हैं जहाँ भी। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा सर, हम वहीं रहेंगे कल। कलम आज घर जा रहे हैं, दिलवाएंगे आएंगे, दिक्कत क्या होगा भाई। लड़ाई थोड़े जंग पे जा रहे हैं कि अंतुल का सब भाई को बुलाना है पिस्तौल लेके। सर इसमें सिर्फ यही बताना है क्या ये लाभ या हानि है, या फिर इसका ये भी बताना है? लाभ हानि परसेंट है जो बनाया होगा सर। लाभ होगा 20% सर। सर लाभ होगा बताएगा, नहीं तो एक मिनट का टाइम देते। 20% आंसर सही है सर।
20% लाभ, 20% लाभ वाले बिल्कुल गलत जवाब। बनाओ 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 बनाओ, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। दोनों बराबर है, 20 वस्तुओं का सीपी 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यही सवाल आएगा, वीवीआई सवाल है, और वीवीआई, और भी वीवीआई, और वीवीआई। बता दीजिए सर, बता दीजिए। नहीं बनता है, बताओ। ट्राई करता, ट्राई करो, ट्राई करना चाहिए ना, कब से कम ट्राई करो। किए सर, नहीं बना, सच तो बता दिया ना सर। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड बढ़ा रहे हैं। 25% सर। जियो कौन बता, नाम बता देना। देखो आप सवाल का जवाब बताएगा ना, तो इसे बोला। ओ हां सर, 25% होगा। 25% राकेश कुमार, 25% सत्यम कुमार, 25% राम प्यारे सर। एक हम भी दिए थे 25, हम देख नहीं रहे ना भाई, तुम लोग को देख नहीं रहे। देखो 43 लड़का है, नाम से हुआ था संजय मातो, नाम से हुआ। एक देख लेते हैं कौन कौन है। एस नाम से था, एक बार हैं। चलो सब वोट कटवा नहीं है, सब मेरा चेला सब है। अच्छा अब देखो, देखो एकदम भावना को समझो। 20 वस्तुओं का सीपी 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, है ना, है ना? यस सर। 20 वस्तुओं का सीपी 16 वस्तुओं का, तो देखो सीपी बाई एसपी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसे। अरे भागा में है, तेने गुना में आएगा। यस सर। आएगा या नहीं आएगा? यस सर। ये गुना में है तो इधर भागा में आएगा, इधर 16 है तो इधर 20 होगा। yes. होगा या नहीं होगा? यस सर। काटे का मन है काटो, ना काटे का मन है ना काटो। 400 का 16, 4 5 20, सीपी 4 रुपया, एसपी 1 रुपया, 1 रुपया का प्रॉफिट इनटू 100 कितना पे, 4 रुपया पे, 25% है आंसर। कैसे नहीं yes. बना, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना? बना तो सर, लॉजिकली था थोड़ा सा, इतना दिमाग नहीं लगाए सर। 20 वस्तुओं का सीपी, तो वही तो हम लगाने के लिए आपको आए हैं। अगला ऐसा ही बनाओ, ऐसा एक रफ में बनाओ। 1 रुपए का है सर, 1। देखो 1 कैसे हुआ, आपका सीपी कॉस्ट प्राइस है 4 रुपया, एसपी है सेलिंग प्राइस है 5 रुपया, प्रॉफिट कितने रुपया का हुआ? अच्छा समझ गए, पूछ रहा है ना, बिना डाटा का कैसे बना दिए 20, खाली बस प्रोडक्ट लिखा हुआ है। कहां डाटा, 20 प्रोडक्ट, 20 वस्तु का सीपी बराबर 16, सब डाटा तो है ये, सीपी एसपी दोनों दे दिया है सर। इसको फिर से समझाइए, तो फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं, लिखिए फिर से समझाते हैं, समझने की प्रयास कीजिए, माइंड कॉन्सेंट्रेट की कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सामने बोर्ड की ओर देखिए। अब चला रहे कलम, 20 वस्तुओं का सीपी 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, कंडीशन ये दिया हुआ है कि नहीं है? यस सर। अब सीपी लिखा हुआ है और इस एसपी को नीचे ले आएंगे, ऐसा कर सकते हैं? इधर कोई चीज गुना में है तो इधर आके भागा में आएगा। यस सर, ये मैथमेटिक। यस सर। 20 इंटू एक्स और 50 इंटू बाई करेंगे तो इसको एक्स बटा बाई करके 50 बटा 20 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। तुम लोग डिफरेंशिएशन बना के आए हो, इंटीग्रेशन बना के, ट्रिगो बनाकर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाकर आए हो। यस सर। तुम इतने दिमाग खराब हो गया था सर, उसने छोड़ दिया उसको, इतने बड़े बड़े काम करके आए हो, तुमको एक्स बाई का नहीं पता चला है कि बाई को नीचे कर सकते हैं, एक्स को ऊपर सकते हैं। सर ये वेरिएबल सेपरेबल चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं, एक्स को वाई को एक साथ करते हैं। तो हाँ सर, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, जो सामने होता है उस सामने का मान होता है, ये भी जरूर पढ़े होंगे, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे। सर इक्वल होता तो सीपी जो हो गया आपका 4 रुपया
और एसपी जो हो गया आपका 5 रुपया। हम आज तक ना देखिए, आज तक इतना है लड़की हो या लड़का वाले ग्रुप में कि कोई सवाल भेज रहा है, कोई उसका जवाब बना कर दे रहा है, फिर कोई सवाल भाई कि ये वाला मैथ नहीं समझ में आया, ये मतलब क्लास 1 घंटा करता है, जाके फिर लगता है सूत रहता है 18-20 घंटा 22 घंटा, क्या कोई नहीं सवाल जवाब कर रहा है, कोई 4 गो जीके ही पूछ दिया भेज दिया, लो 4 गो जीके याद कर लो भाई जी। देखिए जियो का जमाना है, यहाँ कॉलिंग पे ही काम चल जाता है। हाँ देखिए ये तो बात आप सही बोले, पर सबसे कॉलिंग पे बात नहीं कर सकते है ना। गूगल गूगल सर गूगल आप क्या आ जाओ तब यहाँ पे लाभ परसेंट क्या होगा, गूगल पे काम चल जाता है लाभ। देखो कितना भी ऑनलाइन हो जाए सर, नहीं पढ़ने से भी काम चल जाता है ना आजकल, इसलिए ये सही, ये बहुत अच्छी बात कही आप। इसके अलावा और दिलवाएंगे इसको, तो लाभ कितना हुआ, लाभ 1 रुपया, 4 का चीज 5 में बेचे तो 1 ही रुपया का लाभ हुआ ना। करें मुझे यस सर, 2500 क्लियर है? यस सर। यहां नाम है जवाब दो। यस सर 20% क्लियर है। चलो एकदम क्लियर करते जाओ, दिक्कत हो भाई को याद कर लो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? अब सर अब कितना शॉर्ट खोजेगा भाई? भाई ये शॉर्टकट ही तो था भाई, है कि जितना जल्दी आप ब्रेन सोच सर कोई आया कर दीजिए। अच्छा कोई आता है तो आप लोग को भी पता चलता है जी सर? आता है आपका नोटिफिकेशन? नो सर हम लोगों को नहीं पता चलता है, नोटिफिकेशन साउंड आता है सर। जो साउंड आता है साउंड आता है सर, नोटिफिकेशन साउंड आता है स्क्रीन पर देख लेते हैं समवन हैज जॉइंड। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बनाओ, अब इसको जो बना लेगा ना वो 1 नंबर चेला है। इसके क्रय मूल्य, अरे जहां पे जाओगे जहां पे ये सब दोबारा पढ़ोगे ना पहला बार याद आएगा, पहला बार किसी से पढ़े थे, भूला ना सकोगे मुझे भूल कर तो मैं अक्सर याद आता रहूंगा, समझे? तुम जाओ ना अब देखो इसको बनाओ, समय है 1 मिनट, समय है 1 मिनट। इस तरीके मैं थे क्या था? कौन है भाई, कौन है भाई? हाँ सर नया ज्वाइन किया वही है सर, अभी जो नया ज्वाइन किया था पूछ रहे हैं सर क्या पढ़ा है। अब सारी रामायण खत्म हो गई भाई, ज्योग्राफी में बताते हैं सर कि 4 गुना बराबर होता है सिर्फ, वो बस ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हैं अभी। सारी रामायण भाई खत्म हो गई, आप लेट हो गए, यू आर लेट। अब पूछता है सीता किसकी पत्नी है बताइए सर, वो देखे थे ना 3 इडियट में, आप लेट हो गए। सर 20 हो 7 20% 5% 20% सर ये सही दशमलव इसमें आ रहा है 0.33। आप देखो इस टाइप के सवाल का बनाने का क्या है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया जाए x है तो इसके क्रय मूल्य का 4/3 है, तो 4/3 x गुना है विक्रय मूल, क्रय मूल का 4/3 गुना है तो बताओ 35.6% आ रहा है। यदि ये काम करो तो x नहीं मानो, तुम क्या मान लो, तुम 33% CPSP सर, CPSP x भी मान लो तो बनेगा नहीं सर, CPSP मानिए ना, बनेगा CPSP मानिए इजी से बनेगा या फिर xy। तो किसी वस्तु का SP इसके CP का 4/3 क्या है गुना है, ठीक है तो सीपी को इधर नीचे कर दीजिए सर, एसपी के एसपी वाई सीपी कर दो तो 4/3 आ गया, 1 का डिफरेंस है सर, 1 का डिफरेंस है तो 1 × 100/3 100/3 का वैल्यू कितना होता है 33 पॉइंट समथिंग आएगा सर,
133 आता है ना, उतना परसेंट आता है, 33.1/3% सर। इसको दूसरा लॉजिक क्या है, ऐसे भी बना सकते हैं हम, बहुत लॉजिक, एक दो दीजिए सर। एक सर x मानेंगे फिर उसका 4x/3 होगा, एसपी में कैसे जोड़ दिए, परसेंटेज निकाल देंगे लाभ इनटू 100/ वो टाइमल जो होता है। एक और देखो, हम मान लेते हैं लाभ परसेंट ही पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो वस्तु जो है, वो वस्तु है 12 रुपये का, तो 12 रुपये का वस्तु है तो विक्रय मूल 4/3 गुना है, तो 3 × 12 तो 4 × 16 एसपी, 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ 100, कितने पर 12 पे, 4 × 12 100/3% देख लिए। यस सर। कितना दूसरा में सर, ये कैसे बताए, फिर से बताइए सर। देखो देखो क्या है, एकदम भावना समझो, हम क्या बोल रहे हैं, हम तुमसे बोले कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम बताओ मेरे को, तुम्हारे पास 30 रुपया है और तुम्हारे पैसा का 4/3 गुना मेरे पास है, तो मेरे पास कितना पैसा है बताओ। 40 रुपया सर। 40 रुपया कैसे बता, कैसे बना दिए कि सर आपके मेरे पास 30 है और मेरा 4/3 गुना है, तो 4/3 गुना कर दिए तो 10 × 30 = 10/40, ये किए कि नहीं किए। यस सर। तो भाई तो यहाँ पर मान लेते हैं परसेंट पूछ रहा है, राशि तो पूछ नहीं रहा है, परसेंट पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि इसका क्रयमूल जो है, क्रयमूल जो है वो मान लिया जाए 12 रुपया है, या मान लिया जाए 9 रुपया है। देखो 3 जो नीचे है ना, इसके मल्टीप्लाई में लेना, 3 जो है इसके मल्टीप्लाई में लेना, मान लिया जाए 6 रुपया मानो, या मान लिया जाए 3 रुपया मानो, क्रयमूल जो नीचे वाला रहेगा उसके मल्टीप्लाई में तुम मान लेना। तो बाय द वे क्रय मूल 3 रुपया है, तो विक्रय मूल कितना हो जाएगा, तो 3 रुपया का 4/3 3 से 3 कट गया, विक्रय मूल 4 रुपया, तो क्रय मूल 3 रुपया, विक्रय मूल 4 रुपया, तो 1 रुपया का क्या हुआ लाभ इंटू 100 क्रय मूल मान लिया। देखो यहाँ पे तुम मानते 30 भी मानते ना कि क्रय मूल 30 रुपया है, तो वही आंसर आता, तो विक्रय मूल कितना हो जाता 40 रुपया, तो 10 रुपया का लाभ गुना 100/ कितना क्रय मूल था 30 रुपया, 10 × 30 = 100 रुपया, 100/3 देख रहे हो, यहाँ 3000 भी तुम मान लेते तो वही बात आता, तो मान लिया जाए क्रय मूल 3000 रुपया, तो विक्रय मूल कितना होगा, तो 1000 मरतबा कट गया, तो सीधे 4000, अच्छा 1000 रुपया का लाभ हुआ इंटू 100/4000, ये 3000, 3 0 से 3 0 कट गया 100/3, 36 रुपया भी मान लेते तो 36 रुपया क्रय मूल मान लेते तो 4/3, तो 12 × 36 12 × 48 कितने का लाभ हो रहा है, 12 रुपया का लाभ हो रहा है ना, 36 × 10 = 46 दो बार कितने पे 36 रुपये, 12 × 36 100/3, अब समझा नहीं समझे। आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइम सेकेंड मेथड ये है आपका, ये है फर्स्ट, देख रहे हो एकदम एकदम, देखते जाओ और काम करते जाओ। आज प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा सर 8 बजे तक, एकदम खत्म कर देंगे, इसीलिए तो हम आज क्लास ले रहे हैं। देखो सबसे हार्ड क्वेश्चन, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि, हुई हानि 720 रुपये में रुपये में बेचने पर 720 रुपये
में बेचने पर हुई लाभ से पचास अधिक है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? एक मिनट का टाइम है, एक मिनट का टाइम है। अब तुम लोग इसको बना लिए ना, तब समझ जाएंगे कि तुम भावना को समझने लगे हो। सर क्वेश्चन समझाइए पहले सर। अच्छा क्वेश्चन समझाते हैं। एक वस्तु को 560 रुपया में बेचने से हुई हानि, 560 रुपया में किसी वस्तु को हम बेचे हैं, मान लिया जाए क्रय मूल्य कुछ था वस्तु का, एक्स था, तो इसको 560 रुपया में बेचे मैंने तो कुछ हानि हुई और पर उसी वस्तु को 720 रुपया में बेचे तो लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? जितना हानि हुआ था ना उससे लाभ जो हुआ था, मान लिया जाए 50 हानि हुआ था तो लाभ जो हुआ 100 हुआ, मतलब 50 अधिक है। तो क्रय मूल्य क्या याद करें, मतलब 560 रुपया में बेचे तो हानि जो हुई 670 था। कितना? 670। भाई थोड़ा सा कम गए यार, थोड़ा सा फीलिंग थोड़ा सा गड़बड़ा दी। 665 इसका आंसर होगा। भाई क्या हो रहा है, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि जो होती है 65 कैसे होगा सर, हम भी सोच रहे हैं। तो ₹720 में जो हुआ लाभ उससे 50 अधिक है, मतलब हानि अधिक है, हानि 50 रुपया ज्यादा हुआ। करें देखो ना, समझ जाओगे, हम समझा देते हैं ना उसके बाद। तो मैं बनाऊं 720? हाँ सर बनाइए सर, हम सब नहीं बना। देखो क्या होता है, हानि बराबर क्या तुमको फॉर्मूला बताया था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये दो को फॉर्मूला बताए थे। देख लेते हैं बैटरी का स्टेटस क्या है, 26%, कोई बात नहीं चलेगा। अब देखो ये दो को फॉर्मूला तुमको बताए थे, तो लिखना, माना कि मान लो कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो आपका एक्स रुपया है, तो हानि कितना हुआ, हानि कितना हुआ है 560 में बेचने पर, तो हानि कितना हुआ है, तो एक्स माइनस 560 इक्वेशन नंबर वन। दूसरे में क्या हुआ है, लाभ हुआ है, कितना में, 720 में बेचने पर, तो 720 माइनस एक्स, हानि क्या है 50 अधिक है, तो 50 अधिक है, ये 50 अधिक है तो इसको इसमें घटाएंगे तो 50 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर। 50 हानि अधिक है, 50 ये 50 अधिक है, ये देखो ये है 40, ये है 30, अब तो ये बोलेंगे कि लाभ जो है वो हानि से 10 कम है, तो इस 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? बोलेंगे कि जो हानि है वो लाभ से आ जाएगा, हानि जो है लाभ से 10 ज्यादा है, तो इसको इसमें जो है 40, इसका वैल्यू 40, इसका वैल्यू 30, तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? तो यही तो वैल्यू है, इसका x माइनस 560, इसका 720 माइनस x बराबर 50। इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज करते हैं। अब इसको करो,
एक्स माइनस 560 माइनस 720 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 50 ऐड करो 2x और 720 छः दो आठ और छः पाँच 1180 सात पाँच 1280 बराबर 50 2x बराबर 8 5 13 1330 अब 1330 का आधा 665 समझे समझ गए सर क्रिस्टल क्लियर यस सर यस सर समझे एक सेकंड रुक जाइए अगला थोड़ा सा और है बाकी इसको फिर प्रॉब्लम नहीं है तुम लोग बना लोगे आशा है मुझे आगे बढ़े जी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या शॉर्टकट सर इसका शॉर्टकट सेकंड रुकिए सर सर एक सेकंड रुकिए सर बनाना ही पड़ेगा एक करके ही बनाई शॉर्टकट ही है ये जो हम बराबर लिखे हैं तब ना ये चीज लिखने की क्या जरूरत थी ये चीज लिखने की क्या जरूरत थी फिर प्लस ये चीज लिखने की क्या जरूरत थी सीधे एक्स ये लिखते माइनस करके 50 कर देते हम तो आपको समझाने के लिए ज्यादा लिखते हैं ना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है दूसरा क्वेश्चन दीजिए चलो आ जाओ नींद आ रहा है अब मेरे को आ जाओ लिखो ए ने एक साइकिल इसको डिलीट करो यार स्टार करता है क्वेश्चन ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर हेलो यस सर 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे 25% लाभ पर बेचा यदि सी ने इसके लिए 1500 रुपये दिए हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा बनाए कि बनाओ इसका टाइम दीजिए सर 1000 टाइम दीजिए सर 1000 1000 यस सर बिल्कुल सही जवाब सही है सर 1000 बिल्कुल सही जवाब सब लोग क्यों नहीं बना आ गया 1000 आ गया सर 1000 आ गया सही है लोग तो रनियन तेज नहीं ना है नहीं तेज का बात नहीं है भाई अरे क्या करना है 45% तो क्या करना है 1500 अगर निकालना है और क्या हेलो हाँ
हमको लगा क्या नेटवर्क चला गया। ए ने एक साइकिल 20% के लाभ पर बेचा, मान लिया जाए ए एक्स में खरीदा था, इसको 20% लाभ पर बेचा तो 120/100, फिर क्या किया कि 25% पे बेचा तो 125/100, 80 इसको 1500 में खरीदा था, देखो 25 से 25 चौक 100, इसको 30 चौक 20 से और 30 से 30 25 150 और 5 से 5 एक जीरो कट गया, बच गया क्या, ये गड़बड़ा दिए कहीं, एक जीरो कहाँ गड़बड़ा दिए जी काटने में। देखो क्या हुआ? कैसे बना सर, कैसे बना दिया? रुको ना, पहले देखो क्या हुआ कि पहले ए खरीदा होगा तो 20% लाभ पर बेचा होगा, तो ए ने इसे कितने में खरीदा, तो 100 रुपये में खरीदा होगा भाई, तबे 100 रुपये में खरीदा होगा ना, उसका 120/100 उसके बाद 160, तो एक्स का क्या करे, एक्स में खरीदा होगा तो बेचा कितने 20% लाभ पे, तो 120/100 पर बेच दिया किसके पास, बी के पास, अब बी ने इसे सी को बेच दिया कितने पर, 125/100 पर, yes. तो ये वो क्या है, वो सी का क्या है, क्रय मूल्य है, बी का विक्रय मूल्य सी का। सर जी आप गुना क्यों कर रहे हैं सर जी, सर जी हम आपको बेचिए 10 रुपया में, तो आप मेरे से 10 रुपया में खरीदे, तो वो मेरा विक्रय मूल्य आपका क्या है, मेरा विक्रय मूल्य आपका, हम 20 रुपया में बेचे कोई चीज को, तो मेरा विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य है कि नहीं है? सर यस सर, तो आपका एसपी मेरा सीपी। हाँ तो वही बात है, जब ए 20% लाभ पर बेचा, मतलब सी का ये बी का क्रय मूल्य है, अब बी 125% लाभ पर बेचा, मतलब ये बी का क्या है, विक्रय मूल्य है, तो ये सी का क्रय मूल्य है, और सी का क्रय मूल्य क्या है, 1500 रुपये दिए हुए हैं। अब काटा कुटी करो, एकदम सही से काटना, 25 25 25 से 25 चौका 100, 30 चौका 20 से 150 और 30 25 150, 10 मरतबा में, और एक्स बराबर 1000 आंसर। एक एक लाइन का सवाल आपको बनाने के लिए हम दे रहे हैं, आप बना रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। अगला बनाओगे? ये सब बनाएंगे, दीजिए ना, दीजिए दीजिए। अब ऐसा सवाल रहेगा तो बना देना। अब अगला एक और, फिर लास्ट हो गया आज, पीएलडी खत्म, प्रॉफिट लॉस खत्म। प्रॉफिट लॉस खत्म, जिसका छूट गया है वो झाल बजाएगा, कीजिए तो थोड़ा। रिकॉर्डिंग वो नहीं मांगता है, सब कहां से आ जाता है, देखिए 40 लड़का है, देखो सब भाग गया, भाग गया सब, कौन भागता कौन है मेरे को समझ में नहीं आता। फी बढ़ गया है, फी है अब मेरा 450 सर। हाँ सर, 500 कीजिए सर, कर दीजिए सर, क्या 500 सीधा 600 कर देंगे अब की बार। अरे सही है, तुम तो भर दिया था, दूसरा लगे 600 कर देगा। ये बात सही है, ये बात सही है, बाद में ज्वाइन करेगा तो यही ना होगा, शुरू से ज्वाइन करना चाहिए, शुरू से नहीं पता था किसी को तो क्या करेगा, करेगा सबको पता रहता है, सब एक वीडियो देख रहा है, वीडियो पे मेरा व्यू जा रहा है, व्यू जा रहा है, वो कर भी नहीं करता है, बात सही है। जो देख रहा है उसको लग रहा था अच्छा करेंगे, अरे करेगा, दाम बढ़ जाएगा, इसको भीड़ हो गया है क्लास में, अब एडमिशन लेने का इच्छा एकदम नहीं करता, बहुत पैसा कमा लिया, छोड़ दीजिए सर, अब क्लोज कर दीजिए,
क्या जरूरी है? अरे क्लोज कर लेंगे तो सामने वाला जो 1000 रुपया में 500 रुपया में कर रहा है तो समझते नहीं हो ना? समझ गए सर। 15 वस्तुओं के एक तो ऐसी मेरे से सब जलता है, पटना में भी जलता है सर कि घर पे? अरे सब चैनलवा वाला मेरा वीडियो पे विषय कहा जाता है, सब कहता तुम्हारा पर क्यों जाता है, मेरे पे क्यों नहीं जाता? हार्ड वर्क सर, हार्ड वर्क। आपका सब्सक्राइबर बढ़ गया है, हम देखे हैं 1059 हो गया। आधा आदमी तो सब्सक्राइबर छुपाए हुए रहता है कि 2000 है कि 4000 है, पते नहीं चलेगा। सिल्वर बटन आ जाएगा, वेट कीजिए। क्या सिल्वर बटन? सिल्वर बटन तो हम पिछला साल लेते, पर हाई मेरा नहीं रहता तब तो हम वीडियो डालते हैं तो 2 महीना गायब हो जाते हैं, चैनल डूब जाता है, फ्रीज हो जाता है मेरा चैनल। बहुत बार हुआ फ्रीज। ये सब 40% ये सवाल सब बनाया था। 40% बहुत सही जवाब, बहुत पहले कौन दिया 40%? कौन दिए? अरे कौन दिए? हम सर। वाह, देखते हैं वोट कटवा दो चार को। जो जो देखते हैं ना, जो क्लास में रेगुलर है उसी को देख रहे हैं। 40% ये सब तो सर पहले ही क्वेश्चन दे दिए हैं वाला सर। हाँ तो यही इस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं आपका। ओके सर, ट्रेनिंग जरूरी है ना। अब उस टाइप का कुछ 21 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो सीपी वाई एसपी करेंगे तो 15 बाई 21 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 का लाभ 100 × CP 15। तो ये सर 40 है, बात सही है इसका। 6 × 3 × 6 × 3 = 15 = 20% 40% 40% ठीक है। Yes, sir. और सर क्वेश्चन सर? सर एक मिनट रुक जाइए सर। प्रोग्राम बनाया है चलो आज के लिए इतना ही रहने दो। हाँ सर हो गया, बहुत हो गया। सर 8 बजा दीजिए सर, 8 बजा दिन के शुक्र यार। सर और क्वेश्चन सर? सर आज खत्म हो गया तो सर। हाँ कल क्या पढ़ाएंगे सर? कल पढ़ा देंगे रेशियो। ठीक है सर। कितना डेट है आज शाम में कुछ पूछना था। आज शाम में क्लास नहीं होगा सर? आज शाम में क्लास नहीं होगा? नहीं क्लास नहीं होगा। कल होगा कल सर? कल सब जीके ओके सब का सब क्लास सर? कॉमर्स अरे आज जाएंगे तब ना, कल एग्जाम। सर कॉमर्स कॉलेज का फॉर्म भरा है सर? नहीं। अच्छा सर प्लीज बताइए ना क्या सर? भाई व्हाट्सएप पे कुछ मेंशन किए हैं, कितना पैसा लगेगा सर पढ़ना विषय वगैरह वाला? ये व्हाट्सएप पे कुछ मेंशन किए हैं, दूसरा वाला नंबर पे चेक कर लीजिएगा सर। कॉमर्स